सबों को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम घनश्याम बिरुली है और झारखंड के जादूगढ़ में रहते हैं, जहां यूरेनियम माइनिंग होता है। और यहां 7 यूरेनियम माइनिंग है, ये काफ़ी मात्रा में यहां यूरेनियम का खुदाई चलता है। और यहां मिलिंग भी है, जिसके जहां पर यूरेनियम को पत्थर से अलग करने का जो प्रक्रिया है, ये उसके कारण काफ़ी मात्रा में यूरेनियम कचरा निकलता है। और उसको इकट्ठा करने के लिए, डंप करने के लिए टैलिंग पॉन्ड कंपनी बनाती है, जो गांव के बीच में होता है। और इसके कारण काफ़ी रेडिएशन का निकलता है, और रेडिएशन के कारण यहाँ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। या महिलाओं का जो रेडिएशन के कारण देखने को मिलता है, यहाँ बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, और काफ़ी मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्भपात हो रहा है, और मजदूरों में और यहाँ बसने वाले लोगों का टीबी और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। और अभी काफ़ी लोगों का किडनी खराब हो रहा है, ये समस्या बनी है। और इसके खिलाफ हम लोगों का संगठन है झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन, जो काफ़ी समय से 20 वर्षों से हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और अभी भी आंदोलन में लगे हुए हैं। ये एक हमारे जीवन के लिए, ये पूरा पर्यावरण के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। यूरेनियम माइनिंग के कारण लोग तो बीमार हो रहे हैं, और कितने सालों तक इस पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ का हवा खराब हो चुका है, यहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है, यहाँ का मिट्टी खराब हो चुका है, ये पूरा जीने लायक ही नहीं है। लेकिन लोग रहते हैं अनजान बन के, या उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये समस्या जो है विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी डैम से डूबते हैं, डैम से या आग से जलते हैं, तो उसका असर तुरंत हमको दिखता है। लेकिन ये हमेशा लंबा समय तक प्रभावित करने वाला जो समस्या है, जो रेडिएशन का मामला है, इसके बारे में हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को तो उसका दर्द झेले हैं, रेडिएशन का से होने वाली बीमारियों का दर्द झेले हैं, और उस बारे में, उस समस्या के बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, हमारे देश की जो सरकार है और हमारे यूरेनियम माइनिंग का खुदाई करता है, ये कंपनी जानबूझ करके ये समस्या को बताना नहीं चाहते हैं, और इस समस्या को दबाना चाहते हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे लोग जो गांव में रहते हैं, इस समस्या को जाने कि आज हमारा जो स्वास्थ्य का जो इतिहास रहा है, यूरेनियम माइनिंग होने के पहले इस तरह का कोई बीमारी नहीं होता था, हमारे लोग बहुत कम लोग मरते थे और काफी लंबा समय तक जीते थे। लेकिन आज बहुत कम समय में लोग मर रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के अंदर में हुआ है। तो हम अभी ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि पूरे दुनिया में जहाँ भी यूरेनियम माइनिंग हो रहा है या यूरेनियम कचरा डाला जाता है, और वहाँ के लोग यदि प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, और यदि आंदोलित हैं तो उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग बचेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारा संगठन की ओर से मांग है कि टेलिंग पॉन्ड, जहां पर यूरेनियम कचरा डाला जाता है, उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का पुनर्वास सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, और जो भी लोग रेडिएशन से प्रभावित है, इस क्षेत्र के लोग या यूरेनियम माइनिंग में काम करने वाले मजदूर हों, सबको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और ये भी हमारा मांग है कि हमारे इस क्षेत्र में और यूरेनियम माइनिंग नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र के हवा, पानी,
मिट्टी में कितना रेडिएशन का स्तर है उसका भी जांच होना चाहिए। मेरा नाम डुमका मुर्मू है और मैं जोर का सचिव हूँ। सरकार और ईसल वाले यहाँ के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ जमीन लेने के लिए फिर जो आदिवासी के आदिवासियों को बीच में लड़ाई का एक्स्ट्रा यंत्र रच रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन उनको कामयाब नहीं होने देगा और उस पर जो भी जैसा रणनीति अपना रही है ईसल, हम उनको जन आंदोलन के थ्रू में उसको बंद कर देंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भारत सरकार को इसके बारे में दबाव दीजिए कि यहाँ के आदिवासी लोग को आप बेघर मत कीजिए, यहाँ जो उसका अस्तित्व है, हक है, जमीन है, उनको जमीन से हक नहीं किया है, ताकि वो बात उन तक पहुँचे